नमस्कार इंडिया वॉइस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले गृहमंत्री अमित शाह लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं गृहमंत्री, सुनवाते हैं आपको। तुवन सरकार मंदिर, नीलकंठेश्वर त्रि मंदिर, दशावतार विष्णु मंदिर, देवगढ़ जैन मंदिर, राम जानकी मंदिर, मुरली मनोहर मंदिर, पंचकुइया मंदिर को मन से प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, जब मैं बुंदेलखंड की वीर भूमि पर आया हूं, तब महारानी झांसी और झलकारी बाई का बलिदान याद कर समग्र देश की ओर से उनको प्रणाम करता हूं। भाइयों और बहनों, यही भूमि ने मुगलों के सामने भी लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों के सामने भी लड़ाई लड़ी। अब हमारे देश में ये जो देसी अंग्रेज है, उनके सामने बुंदेलखंड ने लड़ाई लड़नी है, देसी अंग्रेजों के सामने। भाइयों बहनों, आज मैं जब यहां आया हूं, तब चार चरण समाप्त हो चुके। चार चरण का नतीजा झांसी वालों जानना है आपको? जरा जोर से बोलो, जानना है? ऐसे नहीं चलेगा भाई, जोर से बोलिए, जानना है? चार चरण में मोदी जी 270 सीटें लेकर तीसरी सेंचुरी की ओर आगे बढ़ गए हैं। अरे राहुल बाबा का जो इंडी अलायंस है, उसका सुपड़ा साफ हो गया है साहब। अबे निश्चित है कि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अब ललितपुर वालों, आप अनुराग भाई के नाम के सामने एक कमल का निशान है, वहां बटन दबाओगे तो आपका वोट सीधा नरेंद्र मोदी को मिल जाएगा, नरेंद्र मोदी जी को मिल जाएगा। और आपका ये वोट नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगा, इस देश के अर्थतंत्र को तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाएगा। अरे बैठ जाओ ना भैया ये काले शर्ट, अरे सुनते नहीं है आप, बैठ जाइए। हो गया यार, वो भी अपना काम कर रहे हैं, आप भी बैठो बैठो बैठो, बैठो। अरे बैठो भैया। भाइयों बहनों, ये मुकाबला किसकी हो बीच में, एक और 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करने वाला ये इंडी अलायंस, राहुल बाबा एंड कंपनी। मैं आपको पूछने आया हूं, 10 साल तक सोनिया मनमोहन सरकार चली, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करे, और दूसरी ओर मोदी जी है 23 साल तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहे, उन पर 25 पैसे का आरोप कोई नहीं लगा सकता भैया, कोई नहीं। ये मुकाबला किसकी बीच में है, एक और चांदी की चम्मच के साथ पैदा हुए राहुल बाबा और अखिलेश यादव है, और दूसरी ओर गरीब चाय वाले के घर में पैदा हुए हमारे नेता नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी। एक और थोड़ी गर्मी बढ़ते ही बैंकॉक थाईलैंड छुट्टी जाने वाले राहुल बाबा है, और दूसरी ओर 23 साल से
दीपावली की भी छुट्टी लिए बगैर दीपावली के दिन सरहद पर जवानों के साथ बिताने वाला नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी भाइयों बहनों, ये लोग दो गुटों के बीच में आपको तय अभी रहने दो भाई। ए, ओ ओ ए बैठ जाओ बैठ जाओ। भाइयों बहनों, ये दो गुटों के बीच में तय करना है। एक और राम भक्तों पर गोली चलाने वाली समाजवादी पार्टी है और दूसरी ओर राम मंदिर बनाने वाले नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, मुझे बताओ अयोध्या में राम मंदिर पहले बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना था? 70 साल से ये कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी राम मंदिर को रोक कर रखी। समाजवादी पार्टी ने कार सेवकों पर गोलियां चलाई, भून दिया, सरयू में डाल दिया। आज मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 24 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। भाइयों बहनों, पूरी दुनिया राम उत्सव में मग्न थी और ये अखिलेश, डिंपल भाभी, राहुल भाई, प्रियंका जी, ये सबको निमंत्रण था मगर वो नहीं गए। निमंत्रण होने के बावजूद नहीं गए। मैंने पूछा, राहुल बाबा आपको निमंत्रण था, आप क्यों नहीं गए? जवाब नहीं देते हैं। झांसी वालों, मैं बताऊं क्यों नहीं गए? बताऊं क्या? वो इसलिए नहीं गए कि रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल से सीएम हाउस में मारपीट के आरोपी विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उनसे पूछताछ के लिए 1240 सिविल लाइन थाने ले आई। पूछताछ के बाद विभव को 30,000 कोर्ट में पेश किया जाएगा। स्वाति मालीवाल 13 मई को अरविंद केजरीवाल से मिलने सुबह करीब 9 बजे सीएम हाउस पहुंची थी। उन्होंने ये आरोप लगाया था कि विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की और बदसलूकी भी की। उनके कपड़े तक फट गए थे। स्वाति ने 16 मई की शाम 6:15 पर दिल्ली पुलिस में FIR करवाई थी। 17 मई को रात 12 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस ने एम्स में मालीवाल का मेडिकल करवाया था। शनिवार को रिपोर्ट सामने आई, मेडिकल रिपोर्ट, जिसमें मालीवाल की आंख और पैर में चोट के निशान मिले। रिपोर्ट आने के कुछ घंटे बाद ही दिल्ली पुलिस सीएम हाउस पहुंची और विभव को अरेस्ट कर लिया। अभी लेटर जस्ट एग्जामिन सर, पहला क्या बात कहेंगे कि उनको डिटेन कर लिया गया है? वी आर नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग, लेटर जस्ट एग्जामिन। क्या पुलिस ने ये जानकारी दी है डिटेन कर लिया? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। No information. अच्छा बेबा, आपकी तरफ से एक मेल भेजा गया था, जानकर इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेट करेंगे? क्या क्रॉस केस भी करेंगे क्या सर? इन्वेस्टिगेशन में क्रॉस केस भी करेंगे? कोई बात नहीं, पता कर लीजिए सर। क्या कोई क्रॉस केस भी करवा रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेट करेंगे आप लोग? We are already trying to go in, know the situation. Please give us 10 minutes. Let us see if they let us in or not. Please. आज एक दूसरा वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये सीएम आवास के गेट के CCTV की फुटेज का वीडियो है। ये भी स्वाति मालीवाल जी के झूठ को सामने रख देता है, क्योंकि अगर आप सबने ये FIR देखी है जो स्वाति मालीवाल जी ने फाइल करी है, उसमें वो ये कहती हैं कि मुझ पर इतना हमला हुआ कि मैं चल नहीं पा रही थी, कि मैं बेहोशी की हालत में थी, कि मैं बैठ गई,
कि मैं लंगड़ा लंगड़ा के चल रही थी, मैं दर्द से कराह रही थी। ये सब स्वाति मालीवाल जी ने अपनी शिकायत में लिखा। आज एक दूसरा वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये सीएम आवास के गेट के सीसीटीवी की फुटेज का वीडियो है। ये भी स्वाति मालीवाल जी के झूठ को सामने रख देता है, क्योंकि अगर आप सबने ये एफआईआर देखी है जो स्वाति मालीवाल जी ने फाइल करी है, उसमें वो ये कहती हैं कि मुझ पर इतना हमला हुआ कि मैं चल नहीं पा रही थी, कि मैं बेहोशी की हालत में थी, कि मैं बैठ गई, कि मैं लंगड़ा लंगड़ा के चल रही थी, मैं दर्द से कराह रही थी। ये सब स्वाति मालीवाल जी ने अपनी शिकायत में लिखा। हमने देखा है कि विपक्ष के ऐसे नेताओं की लाइन है जो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, चाहे वो हेमंत बिस्व शर्मा हो, चाहे वो प्रफुल्ल पटेल हो, चाहे वो अजीत पवार हो, जिनके ऊपर केस हुए, जिनका स्क्रू टाइट किया गया और फिर वो भारतीय जनता पार्टी में गए। उसी तरह से स्वाति मालीवाल जी पर भी भारतीय जनता पार्टी की एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक केस किया हुआ था। ये केस दिल्ली कमीशन फॉर विमेन में इलीगल रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज के बारे में केस था। ये केस कई सालों से चल रहा है, इसमें एफआईआर हो गई है, इसमें चार्जशीट हो गई है और अब इस केस में सजा का, कन्विक्शन का समय पास आ रहा है। हमारा यह मानना है कि इसी केस को आधार बनाकर, जेल की धमकी देकर, सजा की धमकी देकर स्वाति मालीवाल जी पर दबाव बनाया जा रहा है, उनको इस षड्यंत्र का हिस्सा बनाया जा रहा है। फ्रॉम भ्रष्टाचार टू दुराचार टू दुष्प्रचार, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ आम आदमी पार्टी, इट हैज बिकम देयर विचार एंड देयर शिष्टाचार टू इंडल्ज इन दिस काइंड ऑफ मोडस ऑपरेंडाई, या यूं कहूं बोरिंग वर्ड्स फ्रॉम आतिशी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। हमने द्रौपदी के चीरहरण के बारे में तो सभी लोगों को ज्ञान होगा ही, परंतु आधुनिक काल में द्रौपदी के साथ न केवल चीरहरण होता है बल्कि उनके साथ चरित्रहरण भी किया जाता है। और इस आधुनिक काल के चीरहरण में एक दुशासन भी है, जो दुशासन अभी शायद मुझे बताया जा रहा है समाचार चैनलों के माध्यम से कि वो गिरफ्तार हुआ है। एक दुर्योधन भी है और वो भरी सभा में बैठे हुए और बाहर खड़े धृतराष्ट्र भी हैं, जो इस पूरे मामले को कई दिनों से इंटरनल मैटर कहकर किसी ना किसी तरीके से इस पर पर्दा डालने का भरसक प्रयास कर रहे थे। केजरीवाल को पूछना चाहता हूं, केजरीवाल जी एमपी आपने बनाते हैं और हमारे बात वो कैसे मानते हैं? तो एमपी आपके है, आपके घर में घटना घटी है, अब क्या बात कर रहे हो? आई एम आस्किंग टू मिस्टर केजरीवाल, आपका कोई हैव यू लॉस्ट द मेंटल बैलेंस? क्या हो गया आपको? तो एमपी चार पांच महीने सात महीने पहले आप एमपी बनाते हो और बाद में बोलते हो हमारे बात मान रहे। अभी तक आप उनको इतने इतने पद में रखे थे, राज्यसभा एमपी बनने से पहले भी कई पदों में आप उनको रखे थे, तो आपको हमको क्यों बोलते हैं? तो आपके जो पार्टी का और आपके जो मानसिक स्थिति है उसका व्यवहार का ठीक करो आप। दूसरे पार्टी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, हमारे नेताओं के ऊपर एलिगेशन करने के बदले आपका जो सिस्टम है वो सुधार लो मिस्टर केजरीवाल। इससे बड़ी कोई बेबुनियाद बात हो सकती है? स्वाति मालीवाल उनके सांसद है ना, पहले संजय सिंह ने आकर के कहा कि नहीं ये गलत हुआ है, इससे बहुत दुखित हैं हमारे केजरीवाल जी। अब जब पुलिस की जांच हो रही है तो उस जांच पर अब उसके खिलाफ क्या क्या आरोप लगाए जा रहे हैं, तो क्या केजरीवाल जी की पार्टी में
साधारण महिलाओं की बात भूल जाइए, अपनी महिला सांसद के साथ ये अभद्रता होती है और अभद्रता होकर के उनके तथाकथित पर्सनल स्टाफ पिटाई का आरोप लगता है और उसके बाद उनके खिलाफ महिला लोग क्या क्या बोल रही हैं। ये बहुत ही निचली राजनीति, इतना ही कहना चाहिए। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लाइव आ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। और हमारे किसानों को इन्होंने धोखा देने का काम किया, हमारे भोले भाले किसान की बोरी से चोरी कर ली, हमारे सीधे साधा किसान, गांव में रहने वाले लोग, जब इन्होंने खाद की बोरी दी तो उसमें से चोरी कर ली, पहले 5 किलो फिर 5 किलो, तो बताओ बोरी कितने किलो की रह गई, 10 किलो चोरी कर दी इन्होंने। न केवल 10 किलो चोरी की, हमारा किसान जानता होगा, इन बीजेपी वालों ने डीएपी तभी दी जब किसान को इन्होंने नैनो यूरिया खरीदवा दी, नैनो यूरिया खरीदवाई और कहा कि पैदावार बढ़ जाएगी। किसान ने अपनी खेतीबाड़ी में नैनो यूरिया डाली, बताओ पैदावार बढ़ गई क्या नैनो यूरिया से, कोई लाभ पहुंच गया नैनो यूरिया से? तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है इसी क्षेत्र में, यहीं पर है। हमारे किसान भाइयों, कभी जाना, जो साइंटिस्ट बैठते होंगे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, उनसे पूछिएगा कि बताइए डीएपी हमें तभी दी जब नैनो यूरिया हमसे खरीदवा ली, और जो नैनो यूरिया हम लोगों ने खेतों में डाली है, क्या इससे कभी पैदावार बढ़ेगी? और सुनने में तो ये आया है, जैसे बड़े बड़े उद्योगपति भारत का पैसा लेके भाग गए, वैसे ही नैनो यूरिया वाला भी भारत छोड़ करके भाग गया। ये बात आपको समझ में आ रही है? उद्योगपति तो गए, लेकिन हमारे किसानों को नैनो यूरिया खरीदवा दी, वो भी विदेश भारत छोड़ करके चले गए। जहां किसान परेशान हो गया, वहीं नौजवानों का भविष्य भी अंधकार में डाल दिया। इनकी हर परीक्षा लीक हो गई, पेपर परीक्षा रद्द हुई, कोई परीक्षा ये नहीं सरकार नहीं करा पाई, सब परीक्षाओं के पेपर रद्द हो गए। हाल में जो अभी पुलिस की नौकरी हुई थी, जिसमें 2 दिन इन्होंने परीक्षाएं लिखवाई, ये हमारे नौजवान जानते होंगे, तैयारी करके गए, कोचिंग करके गए, उधार पैसा लेकर के गए और अपनी परीक्षा दे करके आए। परीक्षा हो गई, जब वो घर लौट करके आए तो पता लगा पेपर लीक हो गया और मजबूरी में सरकार को पेपर रद्द करना पड़ा, सब परीक्षाएं रद्द हो गई। ये नौजवान साथियों, ये पेपर लीक नहीं हुए हैं, सरकार ने जानबूझ करके पेपर लीक कराए हैं, जिससे आपको नौकरी न देनी पड़ जाए। सोचिए, जो लोग बुलडोजर से डराते थे, आखिरकार जिन्होंने पेपर लीक किया उनके लिए कोई बुलडोजर नहीं है। पेपर लीक हुए सब, और जो फौज की नौकरी थी अग्निवीर वाली, यहां फैजाबाद का नौजवान अपनी सड़कों पे दौड़ करके तैयारी करता था फौज की, अपना जहां मैदान मिल जाता था वहां मेहनत करके तैयारी करता था, और अपना सोचता था कि भाग्य बना लेंगे, फौज में वर्दी पहनने को मिल जाएगी। लेकिन इन्होंने जो नौकरी दी आधी अधूरी, हम अपने नौजवानों से कह के जा रहे हैं कि आने वाले समय में जब सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की, तो अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, आपको पक्की नौकरी मिलेगी, पक्की वर्दी पहनने को मिलेगी। और केवल ये अग्निवीर व्यवस्था नहीं लागू किए हैं, हम अपने खाकी वर्दी पहनने वाले भाइयों को देखते हैं,
और मुझे याद आता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार आ गई तो इनकी भी नौकरी 3 साल की कर देंगे। इसलिए मैं कहता हूं ये लोग भी सावधान हो जाएं। ये प्रेस के लोग सवाल करते हैं कैसे संभव है, मैं उन्हें याद दिलाता हूं, क्या आप जानते थे कि हवाई जहाज और हवाई अड्डे बिक जाएंगे? क्या आपको जानकारी थी कि पानी जहाज और पानी का बंदरगाह भेज देंगे? इकलौती बैंक थी इलाहाबाद, वो भेज दी। सरकारी नौकरियां आउटसोर्स और संविदा पे कर दी और आईएएस बनाने का नया तरीका ढूंढ लिया, सीधे सीधे लेटरल एंट्री करा दे रहे हैं। क्या आपको पता था कि बीजेपी के लोगों ने एक रात में ही नोट बंद कर दिए? जब ये नोटबंदी कर सकते हैं, अग्निवीर व्यवस्था लागू कर सकते हैं, तो आने वाले समय में इनकी सरकार आ गई तो खाकी वर्दी पहनने वालों की भी नौकरी 3 साल की कर देंगे। इसलिए सावधान हो के नहीं हो, आपको सावधान रहना पड़ेगा। ये जहां हमारी और आपकी जान के पीछे पड़े हैं, वैक्सीन लगवा दी इन्होंने कि नहीं लगवा दी हमें आपको? जान के लिए खतरा पैदा हो गई वैक्सीन, और सुनने में आ रहा है कि वैक्सीन वाले कह रहे हैं अब कि हम वैक्सीन वापस ले लेंगे। हमें कोई समझा दे कि जो वैक्सीन शरीर में चली गई है वो वापस कैसे ली जाएगी, ये बता दे कोई। क्या कोई तरीका है इनके पास? बताओ, आपने पढ़ लिया, जान लिया कि जिन्होंने वैक्सीन लगवाई उनके दिल को खतरा पैदा हो सकता है, बीमारियां हो सकती हैं, और इन्होंने वैक्सीन की कंपनी को भी नहीं छोड़ा, उससे भी चंदा वसूल लिया। चंदा वसूला के नहीं वसूला, और देश की जितने बड़े बड़े उद्योगपति थे उनसे भी चंदा वसूल लिया। जब से जनता को जानकारी हो गई इलेक्टोरल बॉन्ड की, तब से बीजेपी का बैंड बज गया है, वो बता नहीं पा रहे कि इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा कहां से आया है। देश में सबसे ज्यादा पैसा इन्होंने वसूला, कोई कंपनी नहीं छोड़ी, और उसी का परिणाम है कि आज हमें और आपको महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। ये जो बीजेपी का भ्रष्टाचार है और इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के नाम पर जो वसूली की है, उसकी वजह से भ्रष्टाचार तो बढ़ा ही बढ़ा है, लेकिन महंगाई भी बढ़ गई है। पिछले 10 साल में जहां किसानों ने 1 लाख आत्महत्या की, वहीं हजारों शहीद हुए, लेकिन किसानों की इन्होंने सुनवाई नहीं की। अभी तक तो हम सोच रहे थे कि 16 लाख करोड़ किसानों का माफ किया है, वो उद्योगपतियों का पैसा माफ किया, किसानों का माफ नहीं किया। अब सुनने में तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे इंडिया वॉच। नमस्कार।